नमस्कार, मैं हूं अंकित और आपने अभी अभी देखना शुरू कर दिया है वन वन न्यूज़। आज से हम एक खास प्रोग्राम खबरें विस्तार से की शुरुआत कर रहे हैं। हर हफ्ते आज के ही दिन यानी कि गुरुवार को हम बीते हफ्ते की जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो आप तक लाएंगे और बड़े ही आसान भाषा में विस्तार से समझाएंगे। शुरुआत करते हैं चंद्रयान 2 से, जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का सपना शायद पूरा ना हो सका हो, लेकिन इसरो के इस प्रोजेक्ट ने भारत की छवि को पूरी दुनिया में बहुत बेहतर बना दिया है। विश्व के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स के लिए सबसे आधुनिक शाखा माने जाने वाली नासा ने भी भारत के इस प्रोजेक्ट को सराहा और साथ काम करने की इच्छा जताई। अब आपको चंद्रयान 2 की कहानी विस्तार से बताते हैं। चंद्रयान 1 के सुपर सक्सेसफुल होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 पर काम करना शुरू किया। इसकी मंजूरी तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में दी थी। चंद्रयान 2 विश्व में ऐसी पहली कोशिश थी जिसमें चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी की गई थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई या नहीं, लेकिन हमें ये मालूम पड़ गया है कि विक्रम लैंडर चांद पर सही सलामत मौजूद है। हालांकि रोवर की लैंडर से बाहर निकलकर चलने की कोई खबर नहीं आई है। दरअसल जब लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, तब इसरो का विक्रम लैंडर से कांटेक्ट टूट गया। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्बिटर के जरिए लैंडर से संपर्क साधा जा सके और ये कोशिश आने वाले 10 दिनों तक लगातार चलती रहेगी। 7 सितंबर की रात पूरा देश भारत की नई उपलब्धि देखने के लिए जाग रहा था, लेकिन जब लगभग 1:50 के आसपास इसरो का संपर्क लैंडर से टूटा, पूरे देश के लोगों में मायूसी दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर में स्थित इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचे और वैज्ञानिकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसरो में मौजूद सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और ये तो बस एक शुरुआत है। पूरा देश उनके साथ है और उनकी उपलब्धियों पर पूरे देश को बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हो रही है। इस फोटो में नरेंद्र मोदी इसरो के चीफ के सिवान को गले लगाते दिख रहे हैं। के सिवान, जिनकी आंखें नम है और उनकी आंखों में 100% सफल न होने का गम भी है। इसका प्रमाण उनकी आंखों में मौजूद आंसू का एक एक कतरा दे रहा है। इस फोटो को इसरो के ऑफिस में फ्रेम कराकर टांग देना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इसरो चीफ को गले लगा रहा है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि भारत ने चंद्रयान 2 के जरिए स्पेस टेक्नोलॉजी में नई बुलंदियाँ छुई हैं। साथ ही साथ पूरे विश्व में एक संदेश दिया है कि भारत अब इस क्षेत्र में किसी देश से कम नहीं है। अब जब बात प्रधानमंत्री की कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे टर्म के 100 दिन इसी हफ्ते में पूरे हुए। इस अवसर पर एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार की विफलताएँ गिना दी। एक बार नज़र डालते हैं इन दिनों जो 100 दिन रहे उसमें लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर। सबसे बड़ा फैसला इन दिनों में आया 6 अगस्त को कश्मीर को लेकर। जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को आर्टिकल 370 में बदलाव करके ख़त्म कर दिया गया। स्कूल के बच्चों की जो जीके की किताब होती है उसको इस फैसले ने आउटडेटेड बना दिया है। जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बदला गया, तब ये किताबें आउटडेटेड हो गई। अब बच्चों को नई किताबों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पहले वाली किताब में भारत में 29 राज्य लिखे होंगे, जबकि नए फैसले के बाद राज्यों की संख्या 28 पहुंच गई है। वहीं यूनियन टेरिटरी की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। अब पूरे देश में एक ही विधान लागू है और एक ही राष्ट्रीय झंडा है। ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में बीजेपी ने अपनी बेहतरीन रणनीति से पास करवाया। इस नियम के तहत अब मुस्लिम समुदाय के पुरुष महिलाओं को 3 बार तलाक बोलकर, लिखकर, ईमेल या मैसेज कर नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानूनी रूप से 3 साल तक की सज़ा और फाइन लग सकती है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध ये कहकर किया कि जब पति ही जेल में चला जाएगा तो वो कैसे अपने बच्चों के लिए पैसे भेजेगा या कैसे फाइन देगा। अब आते हैं तीसरे बड़े फैसले पर, यानी कि नए मोटर व्हीकल्स एक्ट पर। इस फैसले से मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूँ। नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना रखा गया है। 1 सितंबर से इसे लागू कर दिया गया और गुरुग्राम में एक बड़ी ही अनोखी घटना हुई। एक स्कूटी चालक को ट्रैफिक पुलिस ने 23,000 का फाइन लगा दिया, जिस पर स्कूटी चालक बौखला गया। उसने कहा कि मेरी स्कूटी की वैल्यू सिर्फ 15,000 है। तो इसी तरीके की खबरें देश के अलग अलग शहरों से आ रही हैं और बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
लेकिन इस नियम को तब कामयाब माना जाएगा जब छोटे छोटे गांवों और कस्बों में इस नियम को 100% फॉलो किया जाएगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन तक हमारी यही संदेश है कि अगर आप गलती नहीं करेंगे तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जब आप ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं, यानी कि हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, प्रदूषण की जांच कराए बिना वाहन चलाते हैं, इंश्योरेंस नहीं कराते, रेड लाइट पार करते हैं, तब आप सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि किसी और की भी जान जोखिम में डालते हैं। वो जान किसी ऐसे की भी हो सकती है जिसने उसी दिन नौकरी ली हो और घर पर सरप्राइज देने जा रहा हो। वो जान एक छोटे से बच्चे की भी हो सकती है जिसके नन्हे नन्हे पाँव ने अभी अभी चलना सीखा हो। आपसे अनुरोध करेंगे कि नियमों का पालन सही तरीके से करते रहें और अपने साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। एक अपील हमारे ट्रैफिक पुलिस और बड़े लोगों, यानी कि अफसर, नेता, जर्नलिस्ट के लिए भी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते वक्त पकड़े गए चालकों को बचाने की कोशिश न करें। जो फाइन कानूनी रूप से बनता है वो फाइन भरने दें। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक रूल तोड़ने के बाद इंसान तुरंत प्रभावी लोगों को फ़ोन करने लगता है और फिर दबाव में आकर ट्रैफिक पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। अब चलते हैं चौथे बड़े फैसले पर। यह है UNPA, यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम विधेयक 2019। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। 14 अगस्त से लागू इस कानून के तहत अब किसी भी इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित किया जा सकता है। पहले वाले नियम के अनुसार सिर्फ किसी संगठन को ही आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता था, लेकिन अब इंडिविजुअल को भी। विपक्ष के लोगों का कहना है कि इस नियम का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से टाडा के कुछ मामलों में हुआ था। और 1993 मुंबई ब्लास्ट के जिम्मेवार दाऊद इब्राहिम को भी सरकार ने इस एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ मौलाना मसूद अजहर और जकीयुर रहमान लखवी को भी आतंकी घोषित किया गया है। जो आरोप अब तक मौजूदा सरकार पर लगे हैं, देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो काम होते हैं उसमें हस्तक्षेप करने को लेकर, फिर चाहे वो CBI हो, RBI हो या सुप्रीम कोर्ट, ऐसे में विपक्ष का ये कहना कि इस नियम का गलत प्रयोग हो सकता है थोड़ा विश्वसनीय लगता है। आखिरी में बात होगी बैंकों के विलय की। बैंकों और अन्य क्षेत्र में आर्थिक हालत में सुधार करने के लिए भारत की नई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 30 अगस्त को 10 सरकारी बैंकों को 4 बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया। सरकारी बैंकों की संख्या जो 2017 में 27 थी अब सिर्फ 12 रह जाएंगी। स्टेट बैंक के रीजनल बैंकों को पहले ही मोदी सरकार ने SBI के नेशनल बैंक में मिला दिया था। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि घाटे वाले बैंकों को मुनाफे में चल रहे बैंकों से विलय कराने पर कैसे फ़ायदा होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने यह साफ कर दिया कि किसी भी कर्मचारी को इस विलय में उनकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर में हज़ारों नौकरियां जा चुकी हैं। आज की खबरें विस्तार से कि खास सेगमेंट में इतना ही, लेकिन हर गुरुवार हम आप तक एक एपिसोड लाते रहेंगे जहां पर पूरे हफ्ते की खबरों की विश्लेषण करेंगे। आप फन वर्ल्ड न्यूज़ की और भी वीडियोज़ देखते रहिए और मेरा इंतज़ार अगले हफ्ते तक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। कमेंट करके आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि और कौन सी खबरें हम आप तक लाते रहें। जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज, सड़क पर कूड़ा न फैलाएं, वातावरण का ख्याल रखें और ज़रूरतमंद की मदद करें। फिलहाल के लिए अलविदा।